तो यार पीछे वाली साइड पे मैं आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जानवरों की क्या प्राइस है, क्या रेशियो है। अस्सलाम वालेकुम, तो आधे जानवर बन के देने डेढ़ लाख की रेंज कोई है। हेलो एवरीवन, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी जुम्मा पड़ गया है, मौसम बड़ा कमाल का ठंडा मौसम है, लेकिन यार कमरों में एकदम मस्जिद में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बड़ी हबस थी, एसी जो है घरों में बहुत ज़्यादा लाजमी हो गया। तो अभी जुम्मा भी पड़ा है तो अपना भी नाश्ते का टाइम होगा, फिर नाश्ता करेंगे। सामने अबू बकर भी खड़ा है, क्या हाल अबू बकर, ठीक है? तो गाइस फिर देखेंगे आज का क्या प्लान है, क्योंकि अभी नाश्ता करेंगे सुकून से, फिर निकलेंगे बाहर, कोई व्लॉग्स व्लॉग बनाएंगे, मंडी शंडी का प्लान बना, मंडी शंडी जाएंगे। चैनल में पहली बार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वेलकम टू दानिशान व्लॉग्स। तो गाइस अभी मैं काम आया था बाबडा के ऑफिस में, तो ये माशाल्लाह भाई दो दुम्बे लेके आए 1,10,000 के सगियां मंडी से। क्या बात है सर, तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि सगियां का रेट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब आज हमें सगियां पुल जाना पड़ेगा व्लॉग बनाने, समझ रहे हो? और वहाँ पे भी जाके मुकम्मल डिटेल आपको देते हैं कि वहाँ पे मंडी की क्या प्राइस है। बजा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक कबूल करे। जी वेलकम बैक गाइस, इस टाइम मैं सगियां में पहुँच गया हूँ, ठीक है। अभी दरिया जो है क्रॉस करूँगा तो आगे मंडी शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं रुक गया हूँ रोड पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जानवर लेके खड़े हैं, दुम्बे वगैरह, तो मैंने सोचा इनसे भी प्राइस वगैरह पूछ लेते हैं, वो भी डिटेल आपको बता देते हैं कि मंडी में जो क्या रेट है, मंडी के बाहर जो जानवर लेके खड़े हैं उनकी क्या प्राइसेज है। अभी यहाँ पे भाईजान के पास चलते हैं, इनसे प्राइस पूछते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सर मैं सगियां में मौजूद हूँ, आगे जो है अपना रावी है वो क्रॉस करेंगे तो आगे भी मंडी है। ये बाहर कुछ लोग जो है दुम्बे वगैरह लेके खड़े हैं, यहाँ पे कोई लाइव डीलिंग भी चल रही है दुम्बों की, ये आप देख सकते हैं। जानवर तो बड़े खूबसूरत हैं, प्राइसेस वगैरह इनकी पूछेंगे, इनकी क्या प्राइस है, क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या प्राइस है भजन, क्या प्राइस है जानवर की, रेट क्या है इसका? 6,000। कौन सा जानवर का, कौन सा निकाले आपने, पसंद किए अंकल जी? नहीं पसंद नहीं किए, रेट इनका बहुत है। अच्छा, रेट हाई है। तो दो दांत है, चार दांत है, दो दो दांत है। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पे 66,000 रुपया प्राइस बताई है भाई ने, ठीक है। और जो है दुम्बे भी ठीक है, कोई इतने खास तगड़े नहीं है, और प्राइसेस उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि बाहर जो लड़के आदमी जो जानवर लेके खड़े हैं उनकी प्राइसेस ये है। अभी मंडी में जाएंगे, मंडी में भी जाके आपको बताएंगे प्राइसेस क्या है। अभी आगे चलते हैं और इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी, तबीयत ठीक है? क्या प्राइस, क्या रेट है जानवर का? 70,000 रुपए। जौन सा मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो। दो दांत है, चार दांत है? चार दांत भी है, खीरा भी है, दोंदा भी है। ठीक है, तो यार आप देख सकते हैं कि 70,000 रुपए भाई बता रहे हैं प्राइस। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि सगियां की जो प्राइस है कंपेयर की जाए शाहपुर की, जो प्राइस सेम है, प्राइस में कोई इतना फर्क नहीं है, समझ रहे हो? 70, 80, 90, इससे नीचे जानवर की प्राइस कोई भी नहीं मांग रहा। तो देने वाली क्या बात होगी, देने वाला जो मुनासिब बात है देना है तो करें इस तरह हो। अगर दो जानवर लेने हो तो आपका फाइनल 50-50 में मिल जाएगा? नहीं, 50 में तो नहीं मिलेगा, 1,000-2,000 कम के देते, 1,000-2,000 कम होगा। तो यार यहाँ से हम अंदाजा लगा लेंगे, भाई कह रहे हैं कि अगर आपने लेना होगा तो 1,000-2,000 रुपया कम हो जाएगा। अबू बकर भी आज मेरे साथ है, अभी मेन मंडी में चलते हैं, तो मैं अबू बकर भी मेन मंडी में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। A few minutes later. जी गाइस फाइनली मंडी के बाहर पहुँच गए हैं सगिया में। इस तरफ जो है रावी के इस तरफ थोड़ी सी मंडी लगाई है इन्होंने, यहाँ पे बकरे हैं, और सामने जो आप देख सकते हैं सामने ऊंट, बड़ा जानवर की मंडी सामने है। अच्छा, अभी यहाँ से प्राइस वगैरह लेके भी सामने की तरफ चलेंगे, फिर आपको वहाँ के भी डिटेल देंगे। यहाँ पे सारे बकरे हैं देसी, राजनपुरी सारे मिक्स हैं, उनकी भी प्राइसेस लेते हैं कि यहाँ पे जानवरों की क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या सूत है जानवरों की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक है? तो आज जानवर के लेने भाई बैठे हैं। चाचू की हाल चाल है, तबीयत ठीक है? चाचू की अपना रेट है बकरियां का? मुख्तलिफ है, कुछ चंगा दोंदा राजनपुरी वो भी है, देसी भी है,
राजनपुरी किन्ने है अंदर देखो माशाल्लाह देखो माशाल्लाह तो पसंद जेड़ा देखसे ओ को भी एक दा पता लग जाए चलो एक मिसाल है काला बकरा है एदा अदा की रेट है 60,000 कुछ भी 60,000 छोटा जा जानवर है चाचू 60,000 यार महंगी भी देखो ना तो सर पे कावड़े हम लोग चाचू मंडी दा मतलब बड़ी तेज है आ काला बकरा खड़ा कर आ काला बकरा भी तोड़ा है माशाल्लाह यार गाइस देखे बकरा बकरा ये बड़ा खूबसूरत है ऐ किन्ने दा काला ओ चाचा जी की हाल है चाचा जी किन्ने दा यहाँ पे यार देखे भी शुगर मिला लग रहा है सीरियस कोई भी नहीं हो रहा सारे सीरियस हो तो रेट 200,000 सानू काले बकरे का की रेट 1,40,000 1,40,000 सारे ना कि कले दा बकरा नो डाउट बड़ा खूबसूरत है लेकिन रेट 40 दे उस्ताद जी दोंदा चौका चौका है कितना गोश्त होएगा अंदर तो यार आप देख रहे हैं आपको दिखाता हूँ बकरा बकरा बड़ा खूबसूरत है रेट 40 बता रहे हैं अभी आगे चलते हैं आगे भी देखते हैं यहाँ पे चैनल की क्या प्राइस है अभी अंदर चलते हैं आ जा अबू बकर तो यार ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बकरे भी हैं खूबसूरत बकरे भी हैं छीमे अछीमा किदा उस्ताद जी अछीमा किदा उस्ताद जी यार बकरा की पाइस हो गया अल्लाह है ओ छीमा उठ गया दे उस्ताद जी छीमे का की रेट है 1,20,000 तो यार ये भाई के पास लाखों में जानवर तो ए दसो जिसा कोई ए जिसा कोई तगड़ा जानवर मन दहाओ दोंदा तगड़ा जानवर दोंदा उस पासे लगे ने ओ कौन है मालिक ओ बैठे बैठे ने तो रेट भी लखा च होएगा फिर 1,70,000 मांगदा है 1,70,000 एक दा तो यार वहाँ पे जो आप 2,00,000 के बकरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं फिर चाचू के पास बकरे देखते हैं कि इनके पास क्या रेशो है चाचू ऐसे सारे ताजे जानवर ने ऐसे ब्राउन ही है ऐ तो छोटा जानवर है ना अरे गोश्त भी मेरा 20-25 किलो ही होएगा तो यह किन्ने का जानवर है 45 ऐसी जानवर 20-25 रेंज में मिला से वो वक्त चला गया तो यार आप देख सकते हैं कि 20-25 किलो का जो जानवर है उसकी प्राइस 45-50,000 की डिमांड है चाचू डिमांड है नहीं ना देना किन्ने चे 40-45 देना है तुसी तो यार 40-45 मसा अगर तुसी बंदे ने 4-5 जानवर लेने हो ते 25-30,000 समझ नहीं आएगा सब सजल बचाया फल नहीं मिलेगा अच्छा हां तो यार देस्ताद जी किथों लेके आए किधर शहर जानवर है किथों रहीम यार खान से आए मियां वाली से ये आए हैं जानवर यहाँ पे देख लें आप ठीक है छोटे छोटे जानवर का 50,000 अभी उस तरफ चलते हैं वहाँ पे जानवर ज्यादा भरे हैं उनकी प्राइसेस लेते हैं जी वहाँ पे एडवांस आपको बता रहे हैं प्राइसेस लाखों में होगी देखें जी यहाँ पे सारे जानवर हैं ये कैटल फार्म है छोटा सा अस्सलाम वालेकुम बस की हालत भी है ठीक है बहुत माशाल्लाह जानवर तेरे को बड़े खूबसूरत ने रेट कितना का खूबसूरत है हाँ जी पाइन अंदर ही आ जा तो बहुत से भी अंदर चलते हैं कैटल फार्म के अंदर और अंदर जाकर भाई से बात करते हैं माशाल्लाह बकरे यहाँ पे बड़े खूबसूरत हैं ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कैमरे में माशाल्लाह बकरे बड़े बड़े हैं यहाँ उस्ताद जी की हाल चाल है अपना इसमें ग्रामी की है अपना नाम की है मोहम्मद आसिफ आसिफ भाई मैं ए दसो तेरे को जानवर कितों शुरू तक कितने तक जाता है मेरे को 1,00,000 से शुरू हो गए 2,00,000 तक जानवर ठीक है मतलब हजारों वाली गल कोई नहीं हजारों वाली जी हुन गल वैसे खत्म हो गई खत्म हो गई है ठीक हो गया ए छीमे नु खड़ा करने दा माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस बकरा आप देखें यार बड़ा खूबसूरत है वो सब अपना दोंदा चौका है चौका ते उस्ताद जी अपना फाइनल की होएगा ना फाइनल 1,80,000 उस्ताद जी बहुत ज्यादा नहीं जानवर ये जो इन्होंने बताया ना ये प्राइस जो है वो उन्होंने 1,80,000 बताई है कि ये जो है प्राइस 1,80,000 है
ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਜੀ? ਇਹ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਲੌਨ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। तो गाइस जो ब्लैक बकरा ये जो अभी उठा ना इसकी 1 लाख रुपये डिमांड है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इनके पास जो है बकरे खूबसूरत हैं लेकिन बकरे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो सगियां पुल भी आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि सगियां पुल में क्या प्राइस है जानवरों की, छोटा जानवरों की क्या प्राइस है। अभी सामने चलते हैं मंडी में और वहाँ पर देखते हैं वैलो की ऊँच की क्या प्राइस है, क्योंकि अभी व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। अभी सामने की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके आपको डिटेल देते हैं। तो यार ये सामने तो हमारे जो है डीलिंग शीलिंग हो गई है, आपने देखा प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अभी नीचे की तरफ भी जानवर है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको यहाँ भी बताते हैं कि यहाँ पे जानवर की क्या प्राइस है। यहाँ पे दुम्बे हैं साजी, की हाल है? तभी ठीक है दुम्बे तुझे ने? यार ये देखे दुम्बे यहाँ पे हैं, तकरीबन कोई 20-25 जानवर है। ये सामने रावी है और देखे जी क्या हाल हुआ है। ये है जी हमारा लाहौर जो कितना खूबसूरत है। नहीं ये मजाक हो ਸਾਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਦੁੰਬਿਆਂ ਦਾ? 60,000। 60,000 ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਠਾ ਰੇ। ਦੋ ਦਾਨ ਨੇ, ਚਾਰ ਦਾਨ ਨੇ? ਦੋ ਦਾਨ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਾਰ ਜੀ ਅਗਰ 2-3 ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਰੇਂਜ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ 45,000 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਸਾਂ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਅਗਰ 2-3 ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਣੇ ਹੋਣ? ਫਾਈਨਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2-3,000 ਘੱਟ ਹੈ ਸਕਦਾ। 2-3,000 ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਨਵਾਬ ਖਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਬੇ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੇ? ਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਪੜਿਆ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮناسب ਲੱਗਾ। तो अगर आपने जानवर लेना है दुम्बे तो इनके पास विजिट कर सकते हैं। तो यार ये है सगिया की दूसरी मंडी जहाँ पे मैं आ गया हूँ। आप पीछे देख सकते हैं ऊँट ही ऊँट है और उस तरफ जो है वहाँ पे बड़ा जानवर छोटा जानवर है। अभी स्टार्टिंग में ऊँट की प्राइस लेते हैं, फिर आपको डिटेल देते हैं। तो यार ये आप देख सकते हैं ये ऊँट है स्टार्टिंग में। क्या हाल है भाई, रेट क्या है इसका? 3 लाख? 3.5? दोंदा चौका है दोंदा? तो यार इसका 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। ये अपना दोंदा दो दांत है, ये आप देख सकते हैं ऊंच, ठीक है। अभी ये सामने ये भी ऊंच है, ये आपका है? पीछे रखो पीछे। ये कितने दांत है? दाजी क्यों लग गए? तो यार आप देख सकते हैं ऊंच जो है। ताजी कितने पैसे? 3.5 लाख। इसका 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। यहाँ से हम अंदाजा लगा लें कि जी जानवर किस रेशो में है। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि जानवरों की क्या रेशो है, जानवरों की क्या प्राइस है। स्टार्टिंग में हमें जो है वहाँ पे छतरे नजर आ गए हैं, छतरों का रेट लेते हैं। आ जा अबू बकर। तो यार ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में छतरे हैं। अबू बकर शूट कर रहा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आ जा यार, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, मंडी बहुत बड़ी है सगिया में। तो यहाँ पे जानवर जो है देखते हैं क्या रेशो है, क्या प्राइस है। आ जा, ठीक है, छतरे दोंदे, जैसे कि ये छतरा, ये दोंदा का खीरा है, इसकी क्या प्राइस है? अब मगर 45,000 है। तो यार आप देख सकते हैं इस जो छतरे की 45,000 रुपया प्राइस है। तो उस देने वाली की गल होगी? बिल्कुल फिक्स है, बाटा सर्विस, कोई डिस्काउंट नहीं। इस तो भाव है छतरे पिछले साल मैं 33,000 रुपये ले, ਐਤਕੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਪਟਨਾਉਣਾ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਰ। ਡਾਲਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੀ ਇਸੀ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੇ ਛਤਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ 45,000 ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨਲ 45,000 ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭੀ ਅੱਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈ। ये आप देख सकते हैं यहाँ वैने, वैने बड़े खूबसूरत है। इनके प्राइसेस भी देखते हैं कितनी खूबसूरत है। मैंने बुलाया, ये आप देख सकते हैं।
थोड़ा तो यार देख लें कि यहाँ पे ये बच्चे का साढ़े 500 रुपये मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, घी महंगा है, इस वजह से जानवर भी महंगे हो गए हैं। तो लिहाजा जब ये चीजें नीचे आएंगी तो जानवर भी सस्ता हो जाएगा। तो इनके बाद लाख दो लाख के रेट में कोई भी जानवर नहीं है। शुरू कितों होता जानवर? 5 लाख से शुरू होता है, 3.5 लाख के एंड होता है। 3.5 लाख से शुरू हो गए, 5 लाख पे एंड होता है। 3.5 लाख का क्या रहता है? 3.5 लाख ब्राउन का चिता आपको दिखाते ये वाइट बच्चा तो यार इनकी प्राइसिस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई लगी है मुझे। तो जानवर भी इतने तगड़े नहीं है। सामने बकरे राजनपुरी, ये देखते हैं इनकी क्या प्राइस है। शादी की हालत भी ठीक है। तो यार ये भाई के बाद रुके हैं, इनसे अपना राजनपुरी का रेट पूछ के बता दिया। मसला छी में लगे रेट तो यार इसका 2,20,000 का मांग रहे हैं। खत्म सारी तीन जी की गल होगी। तो यार अभी आपको दिखाता हूँ मैं केड़ा जो साथ जी एला। तो यार ये अदा की रेट दसा तू? 180 मैं तुम्हें क्या 50,000 तो लख की रेंज च। यार इसका 180 मांग रहे हैं। यार मंडी आप देख सकते हैं यार, मुझे ये था कि सगिया मंडी का रेट बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन यहाँ भी रेट जो आसमानों पे है। हर मंडी में रेट बहुत ज़्यादा है यार। अभी तक मुझे कोई मंडी नहीं मिली जिसका रेट जो है मुनासिब हो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। हाँ जी उस्ताद जी, ऐ उस्ताद जी की रेट है था यार 5 किलो का जानवर उस्ताद जी? 30 किलो तो 70,000 का रेट है। तो 30-40,000 दो चला गया। अच्छा जी, अगर 3-4 जानवर भी ला रहे हो तो फिर कोई मोहब्बत नहीं होगी? तो मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत हो जाएगी? हाँ। तो यार वो कह रहे मोहब्बत हो जाएगी, किस किस मसा हद तक मोहब्बत हो जाएगी? बस कार के कैमरे जी बोलो। हां चंगे। ओ छीमे छीमे ने कुछ खाओ, मेरी कमीज खा रहा है। छीमे ने देखो गाइस मेरी कमीज खराब कर दी है। छीमे मैं नमाज पढ़नी सी। अरे यार गाइस मेरे कपड़े खराब करते ना, मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो गाइस अभी आगे चलते हैं यार, यहां पे आपको मजीद जो है वो जानवर तो दिखाते हैं। बकरे भी बड़ा वड्डा होना है। ओए होए होए, तो गाइस देखे साढ़े 4 लाख का बकरा मिल रहा था। ऊंट की प्राइस और बच्चे की जो प्राइस है वो तो अभी सही है, जो लाखों में है। अभी सामने एक बच्चा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, वाइट कलर का, इसकी रेट पूछते हैं इसका क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या प्राइस है इस बच्चे की? हाँ जी 70 लाख। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओ हो खड़ा नहीं हो रहा, थक गया छीमा। गाय 70 लाख का जानवर है इसलिए थक गया बेचारा। तो यार ये कह रहे हैं जी यहाँ पे अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, और ये भी आपको दिखाते हैं, इस 70 लाख रुपए जोड़े का मांग रहे हैं। तो अगर ये जानवर खड़ा होता तो आपको मुकम्मल दिखाते। नहीं चलो कोई नहीं। तो गाइस अभी आगे चलते हैं,
ਵੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੋ ਦੰਦ ਨੇ ਚਾਰ ਦੰਦ ਨੇ? ਚਾਰ ਦੰਦ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 70 ਲੱਖ ਕੀ ਜੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਵਾਪਸੀ ਆਏਗੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਬਤਾਏਗੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾਏਗੇ। ਜੇ ਛੱਤਰੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚਾਚੂ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਚਾਚੂ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਛੱਤਰਾ, ਕਿਸ ਰੇਂਜ 'ਚ? ਜੋੜੇ ਕਾ ਇੱਕ 80 ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਕੇਲਾ ਉਸਕਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅਭੀ ਆਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਗਾਇਸ ਯੇ ਵੱਛਾ ਦੇਖੇ, ਵੱਛਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸਕੀ? ਯੇ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਸ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੋ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਇਸਕਾ ਕਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਸਲਾ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਕਰਾਚੀਓਂ ਆਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰ, ਹੈ ਵੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਅਦਾ ਅਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੇਫਟੀ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਸਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਸਰ। ਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਸਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਦੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ। ਯਾ ਇਸਮੇ 12 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਤੋ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ? ਇਹ ਪਰਲਾ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਤਾ ਜੀ? ਇਹ 1,80,000 ਦਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਦਿਆਂ। ਤੋ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਬਲੈਕ ਬੱਚਾ, ਇਹ 1,80 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਸਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਅਭੀ ਦੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਮਸੂੜੇ ਇਸਕੇ ਅਭੀ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਗਾਇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਗਾ ਯਾਰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹ ਪਕੜੀ। ਤੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੋ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਤੋ ਇਸਕੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਭਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੱਚਾ ਇਸਕਾ 1,80 ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੀ। ਯਾਰ 2 ਦੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 2 ਦੰਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ 2 ਦੰਦ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬਰਾਉਨ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇਹਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3.5 ਲੱਖ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਸ ਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਇਹ 2 ਦੰਦ ਨੇ 4 ਦੰਦ ਨੇ? ਇਹ 4 ਦੰਦ, ਇਹ 4 ਦੰਦ। ਤੇ ਸਾਜੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 3.80 ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸਕਾ ਯਾਰ 3.80 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ 3 ਹੋ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸਕਾ ਫਾਈਨਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਜੀ ਡੇਢ ਦੀ ਰੇਂਜ ਇਸਕੇ ਦਾ? ਸਰ ਡੇਢ ਕੀ ਰੇਂਜ ਕਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ? ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਕੇ ਪਾਸ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਵਾ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅਭੀ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਕੋਈ ਡੇਢ ਕੀ ਰੇਂਜ ਮੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਆਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 2022 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਖੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਮੇਂ, 2.5 ਲੱਖ ਮੇਂ, ਤੋ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 2-3 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਨਿਸਬਤ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਤੋ ਆਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈਂ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਦਾਂ ਜੇ? ਕੋਈ ਨੀ ਆ, ਤੋ ਗਾਇਸ ਦੇਖਨੇ ਆ ਯੇ ਭਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ? 2 ਲੱਖ ਓਕੇ ਲਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਉਹਦਾ।
अबू बकर तो यार ये वो जानवर है ब्लैक कलर का, ये जो पीछे वाला, इसका जो प्राइस वो 2 लाख रुपया कह रहे हैं। सारी 2 दाने 4 दाने ये 2 है। तो यार देख रहे हैं जानवर जो 1.5 लाख की रेंज में वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2 लाख की रेंज में आपको छोटा सा जानवर मिलेगा, तो आगे चलते हैं, आगे भी कोशिश करते हैं कुछ जानवर में 1.5-2 लाख में समझ आ रहे। आजा अबू बकर, तो यार मंडी बहुत ज्यादा बड़ी है तो ब्लॉग भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो पूरा देखिएगा, मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी ब्लॉग में। तो यार ये ब्राउन बच्चा को समझ में आया तो इसका रेट पूछने के क्या रेट है, बच्चा क्या रेट है ब्राउन बच्चे का? तो यार इसका भी 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो फाइनल ढाई लाख रुपया बता रहे, तो 1.5 लाख दे रेंज उसके लिए 1.5 लाख वो छोटा चिट्टा सारी यार को 1.5 लाख की रेंज में भी दिखाते कि बच्चा कौन सा। ये देखे जी ये छोटा सा बच्चा है जिसकी प्राइस 1.5 लाख रुपया, ये आप देख सकते हैं ये दोंदा होगा बड़ी मुश्किल से। तो यार प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है मंडी की, ठीक है अभी आगे चलते हैं, मंडी बहुत बड़ी है, आगे जाके भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। चाचा जी की हाल है? चाचा जी बच्चा है कोई 2 लाख की रेंज खड़ा करना थोड़ा। तो यार चाचू के पास रुके हैं जहाँ पे 2 लाख की रेंज में इनके पास ये बच्चा है, ये आपको दिखाते हैं। आप बगल साथ साथ पसंद भी कर, ठीक है। तो यार ये बच्चा कुछ सही लगा मुझे, चाचू 2 दांत में, तो यार ये माशा 2 दांत चाचू की रेट होगा फाइनल भी 2 दिन एक भी समझ आइएगा देने वाली गल 2 दांत बिल्कुल फाइनल है, कोई मोहब्बत नहीं। तो यार 2 लाख रुपये इनका फाइनल है, मैंने 1.20 लगा दिया लेकिन कहते 1.20 में समझ नहीं आता, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सामने एक ब्राउन बच्चा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है और मैं एडवांस में कह दूँ कि उसकी प्राइस 3-4 लाख रुपये उन्होंने कह देनी है, आपको वो भी दिखाते हैं जोड़ी है। तो यार ये आप देख सकते हैं ये सारी मंडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है जानवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सगियाँ में लेकिन प्राइसिस जो है इनकी लाखों में है, 1.5 लाख की रेंज में कोई बच्चा मिल ही नहीं रहा, छोटा सा छोटा बच्चा जो है वह 2 लाख रुपये उसकी डिमांड है। ये सामने जो ब्राउन बच्चा है ये भी आपको दिखाते हैं और इसकी प्राइस भी पूछते हैं, इसकी प्राइस क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत सा तुहाडा बच्चा फाइन तुहाडा जी? यार ये भाई का बच्चा की इसमें ग्रामी अपना, इसका नाम है 6 लाख रुपये। तुहाडा की नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक। रफीक भाई अदा की डिमांड है? 6 लाख रुपये। 2 दांत ने 4? तो यार ये 2 दांत है, इसकी 6 लाख रुपये डिमांड है, यहाँ से अंदाजा लगा जी दोनों की 12 लाख रुपये जोरी का 12 लाख रुपये। चल झूठा। तो यार जोरी का ये 12 लाख रुपये मांग रहे हैं, तो सारी सामने वाला कितना? ये 9 लाख रुपये तो आ जाइए यार, सामने वाले का 9 लाख रुपये मांग रहे हैं, ये भी अच्छा बड़ा खूबसूरत है, सारी 4 दांत ने छिक्का है यार, ये छिक्का है। तो यार प्राइसिस बहुत ज्यादा हाई है मंडी की, ठीक है अब जो है वो कुर्बानी इस साल बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर बंदे की जो जेब है वो 1 लाख 2 लाख है, सही 2 लाख दे रहे कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 18.5 अच्छा चलो अल्लाह करे तो दरिया भी बिक जान। तो जिस बंदे ने कोई 1.5-2 लाख दे रेंज लेना हो तो मुश्किल है अच्छा एह जा। तो यार इस तरह का छोटा बच्चा वो कह रहे हैं जो आपको मिलेगा 1.5-2 लाख की रेंज में, बाकी अगर आपने अच्छा बच्चा लेना है तो वो 3 तो होता ही है। हाँ जी अच्छा लोगे तो जेब भर के आना पैसे दी किन्ने 5 लाख रुपया 4 लाख। तो यार भाई कह रहे हैं जो अच्छा बच्चा लेना वो 4 से 5 लाख रुपया आपकी जेब में होना चाहिए, फिर आपको मिलेगा अच्छा जानवर। चुप बिल्कुल चुप। 1.5-2 लाख की रेंज में कोई भी जानवर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अभी ये आगे जो जानवर है ये भी देखते हैं, इनकी भी प्राइस पूछते हैं। पानी तो हटा जानवर है पंकी हाल है अदा की रेट है भाई? 2 लाख 10 हज़ार
तो यार देखिए छोटा सा जानवर 2,10,000 रुपया मांग रहे हैं। सारे जानवर बहुत छोटा, रेट बहुत ज्यादा। महंगाई तो है लेकिन उस्ताद जी रेट बहुत ज्यादा समान है। ब्राउन का अगर 3,00,000 होना है, अगर 2,50,000 है तो यार ये ब्राउन का 2,50,000 रुपया मांग रहे हैं। छोटे छोटे जानवर हैं लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है मंडी की। मुझे अभी तक किसी बंदे का जो रेट है ना वो मुनासिब नहीं लगा। अभी आगे चलते हैं बकरों का देखते हैं, क्योंकि सामने फार्म बने हैं या देसी बकरे भी हैं वहाँ पे, उनकी भी प्राइसेस लेते हैं, उनकी क्या प्राइस है, फिर आपको मुकम्मल डिटेल देते हैं। उस्ताद जी की हाल चाल है? बकरे तो ने भाई नजर बुलाना। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पे बकरे हैं, राजनपुरी भी हैं अपना देसी भी हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं बकरों का क्या रेट है। जानवर यहाँ पे यार हर मंडी में भरे हुए हैं, तो अभी तक जो है ना सेलिंग इतनी खास नहीं है, कस्टमर बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ पे आते भी हैं तो वो रेट सुन के वापस चले जाते हैं। असलम भाई कितने का जानवर था देखो? मेरे को हाँ जी कितने कितने 25 किलो का जानवर कितने का था देखो? राजनपुरी नस्ल है पिछले साल किन्ने दा बेचया? पिछले साल हां जी तकरीबन 50 दा बेचया पिछले साल। ऐतकी 15 तो 20,000 रुपया ज्यादा हो गया। 15,000 रुपया उत्ते बाद ज्यादा हो गया। क्यों? जो तेल महंगा है, इस वजह से जानवर भी बहुत ज्यादा महंगा है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा हाई है यार, मार्केट का रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हर बंदे का रेट बहुत ज्यादा है, किसी बंदे का रेट मुझे यहाँ पे कम नजर नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे का 2,00,000 रुपया मांग रहे। अबू बकर भी परेशान हो गया, अबू बकर मुश्किल हो गया 1,50,000 की रेंज में। क्या करता है वो मंडी सही? कौन सी मनावे? तो यार अबू बकर कह रहा है कल जब मनावे मंडी में हम गए थे वहाँ की प्राइसेस फिर भी इनके कंपैरिजन जो है वो प्राइसेस ठीक थी, इनकी जो मंडी का रेट बहुत ज़्यादा हाई है यार यहाँ का रेट। तो अभी अगर छतरे हैं वो देखते हैं उनकी क्या प्राइसेस है, क्योंकि छतरों वाला जो बंदा है वो अभी हमें कोई भी मुनासिब रेट वाला नहीं मिला अभी तक जिसने हमें सही प्राइस दी हो। तो अभी यहाँ पे भाई के पास आए हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम, पैन की रेट है अपना छतरियाँ का जी? की रेट है अपना? रेट तो फर्क फर्क है। ए छतरे का की रेट है? अदा लाख रुपया। दो दान है चार दान है? दो दान। तो यार इसका जो है अपना 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया मंगे है तो इसका 1,00,000 रुपया मांग रहे हैं। तो उस्ताद जी जो छोटा जानवर है जिस तरह सामने है अदा की रेट है वो उन्होंने देने तुहाडे आए ने? तो यार इनके पास जो जानवर है वो ये हैं, साथ वाले जानवर किसी और के हैं। तो उस्ताद जी जानवर बहुत ज़्यादा फुले हुए ने, कोई लोग कहते ना इंजेक्शन लाए ने, किन्नी हकीकत है? कुछ भी नहीं लाया, खाता ना जा फुले ने? कुछ भी नहीं लाया, कोई नहीं आपने जानवर फुले ने उन्ना फुले ने देखो ए जी है अबे कोना बेच की फुले का दे नाल फुले किस किस आ सारी दे उन्ने एनी एनी नहीं उन्ने ना। अच्छा अच्छा तो कटिंग शटिंग करांगे तो वीआईपी हो जाएंगे। हां ये गल है उन्ने ना एनी नहीं निकलते, एनी नहीं निकलेंगे बीचो। तो यार आप देख सकते हैं यहां पे प्राइस अच्छा भैया 30 तो 40,000 दे रेंज कोई भी नहीं? नहीं जी नहीं, वो वक्त चला गया, वो वक्त चला गया। पिछले साल मैं 33,000 दे ले सन मसलन, ए जो बड़े भारे ने ना एहो जो नॉर्मल होंगे ते हुन आ कितना दे दियो? ये हुन 45-50,000 50,000 दे रेंज। खीरा के दोंदा? दोंदा खीरा? दोंदा खीरा? किन्ने महीने वाला? 10-11 महीने। तो यार यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं की हाल चाल है। ओ भाई तो परेशान ही मन लगे है बाल संपत्ति। ओ कोई नहीं मुन चाचू है दसो जी जी ए जे छतरा ए आया सामने ए खीरा दोंदा? ए खीरा दोंदा क्या ए खीरा भी लग जांदा जी? लग जांदा। ते उस्ताद जी किन्ने तक ही है जे?
पीछे वाली साइड पे मैं आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जानवर की क्या प्राइस है, क्या रेशियो है। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे जानवर बन के देने जी? 1.5 लाख की रेंज कोई है जी? नहीं। कितनी रेंज है? 2-10-81। ठीक है, 2-10 की रेंज के दा तो यार आप देख सकते हैं ये 2,10,000 की रेंज में भाई ये वाला बच्चा बता रहे हैं जी। तो उस्ताद जी फाइनल 1.25 लाख हो जाएगा? नहीं सर नहीं होएगा। नहीं, जानवर बहुत ज्यादा महंगा नहीं? तो महंगाई भी बड़ी है, वंडा वेखो, दाना वेखो, साड़ी मेहनत वेखो। तो यार हर बंदा यही कह रहा है कि जानवर महंगा है, क्योंकि आपको पता हर चीज महंगी है। ब्रोन बच्चा कि उस्ताद जी? ये बाबे हरां दा। बाबा जी, बाबा जी इधर आओ। तो यार ये ब्राउन बच्चा जो है मुझे पसंद आया, क्योंकि अबू बकर ने भी लेना, अबू घर वालों ने भी मुझे कहा कि बच्चा पसंद कर लें। पसंद कर ब्राउन बच्चा है? तो अबू बकर को यार ये बच्चा पसंद आ गया। अबू बकर कहता है ये जानवर ठीक है, लेकिन रेट इसका पूछते हैं कि इसका क्या रेट है। चाचू, तो यार चाचा जी यहाँ पे आ गए हैं। चाचा जी की रेट है बच्चे का? हाँ जी, 3 लाख रुपया। तो यार अबू बकर ने पहले ही कहा था इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगी। तो चाचू की वजह यार 1.5 लाख हो जाएगा? नहीं होएगा। 2 दाने 4 ने? 4 दाने। तो चाचू देखो वखी भी अंदर ही है, कोई ना खास गोश नहीं आ। तो यह किन्ने का? 3 तुहाडे को महंगे जानवर ने? यार चाचू के पास भी जानवर 3 लाख की रेंज में है। यूट्यूब पे दानिश खान व्लॉग, दानिश खान व्लॉग लिखोगे ना यूट्यूब पे खान, तो अगर चैनल आइएगा। तो यार चाचू को भी यहाँ पे जो है जानवर 3 लाख की रेंज में बता रहे हैं। तो ये सारी मंडी एंड तक ख़त्म होती है, मैंने कहा आपको सारी एंड तक विजिट करवा दें कि यहाँ पे जानवरों की क्या प्राइस है। उस्ताद जी चाचा शोके ने बुलाया जी इतने रेट पूछा से। और चाचा जी की हाल है? चाचा जी किन्ने का है ब्रोन? 360। गाइस यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्राइसेस क्या है। उस्ताद जी है किधर? उस्ताद जी अल्लाह ले सर जनाब। तो यार ये ब्राउन बच्चा बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, इसका रेट भी देखते हैं कितना खूबसूरत है। उस्ताद जी किन्ने का बच्चा ब्राउन? 2 दान 4 दान? 2 दान। उस्ताद जी 1.5 लाख की रेंज है? 2 लाख की रेंज कोई भी नहीं, सब 3 तो उत्ते ही ने। तो देना किन्ने च? देना किन्ने उस्ताद जी? 3-30 का देना। 3-30 का? 3-80 डिमांड है, वो 3-30 में देना है। तो कोई बेचिया उस्ताद जी? अच्छा, तो गाहकों की सूरत हाल है? मंडी ठीक है उस्ताद जी, लेकिन उस्ताद जी रेट मंडी का बहुत हाई है, शाहपुर नालों भी पीछे बहुत बोले गए। अच्छा है बच्चा? तो यार यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि यहाँ पे जानवर तो हैं, छोटा जानवर भी है, बड़ा भी है, हर किस्म का जानवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाचू आप भी लेने के लिए आए हैं, क्या सूरत हाल लगी आपको मंडी की? 6 साल से तो काफ़ी महंगे जी बिल्कुल। तो आप अच्छा लेने के लिए आए हैं? नहीं बकरा लेना है, ये बच्चा वैसे इधर आया। अच्छा, तो बकरा आपने ये अपना छतरा लेना है कि देसी बकरा? देसी। तो आपको तो लाखों में प्राइस मिली होगी उसकी भी? लाखों ही मांग रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा किसी मंडी में गए हैं आप? नहीं इधर ही आए हैं। अभी इधर ही आए हैं? तो यार चाचू भी यहाँ पे जो है बकरा खरीदने के लिए आए हैं। तो चाचू भी कह रहे हैं जो रेट लाखों में है। तो यार यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि सगियापुर मंडी का जो रेट, सब मंडियों का रेट बहुत ज़्यादा हाई है यार। 2022 जो है वो सबको याद रहेगा, ठीक है ना, कि जो प्राइसेस जो है वो जानवरों की बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यार आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके।